हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक ओप्पो A5s का ये फ़ोन है और इसमें जो है हम चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हम देखेंगे। ये एक हमारा फेक चार्जिंग का केस है। यहाँ पे जो ये फ़ोन है ओप्पो A5s का, देखिए बैक साइड से ये खुला हुआ है और इसका जो बैक कवर है वो देख लो आप, ये है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मोबाइल में फेक चार्जिंग का केस है। और ये देखिए, जब इसको हम चार्जर से लगाते हैं तो ये जो है चार्जिंग तो डिटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज बढ़ता नहीं है। बहुत ही देर में थोड़ा सा बढ़ता है और फिर वहीं पे जाके रुक जाता है 1% पर। करंट देखिए 70-80 मिली एम्पियर, यानी कि 0.600-700 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा करंट नहीं ले रहा। ठीक है, तो जब भी करंट से हमारा 1 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा, 100 के ऊपर वो नहीं चला जाए, USB चार्जर में 100, 120, 150, 100 ऐसा जब 100 के आसपास रहता है, 100 से ऊपर रहता है, तब हम इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो फेक चार्जिंग केस में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इसमें क्या है कि ये 70-80 के ऊपर जाता ही नहीं है करंट, और यहाँ पे परसेंटेज जो है हमारा 14% अभी शो कर रहा है। इसको हम अगर काफ़ी देर तक छोड़ दें तब भी ये 14% पे ही रहेगा। ये एम्पियर ऊपर अप नहीं हो रहा, लिफ्ट होना चाहिए एम्पियर को। जब एम्पियर लिफ्ट होगा, देखिए अभी फ़िलहाल में हमारा 15% तो हो गया, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ये 15% पे था, अभी 15% हो गया। करंट हमारा सेम वही पोजीशन पे, अभी 15 से 16 जाने में इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो अभी से और देखो कि 3 मिनट में कम से कम 1% या 4 मिनट में 1% या 5 मिनट में 1% बढ़ता है क्या ऐसा। ये करंट काफ़ी कम ले रहा है तो ज़रूर बहुत ही टाइम लगेगा परसेंटेज बढ़ने में, तो वेट करते थोड़ा सा हम। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट से ऊपर हो चुका है और अब हम ट्राई करते हैं। देखिए अभी भी 15% पे रुका हुआ है, ये परसेंटेज में बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, और ये जो हमारा करंट है 72 पर ही रुका हुआ। जब तक करंट नहीं ऊपर लिफ्ट होगा तब तक परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि 5 मिनट या 6 मिनट में ये 1% बढ़े और ये करंट जो है और इतना पे ही रहे। जब ये एक 50% या 60% से ऊपर या 40% 30% से फिक्स लेवल के ऊपर चला जाएगा, तो फिर उसके बाद वो और ऊपर जाने में और ज़्यादा टाइम लेगा और हो सकता है कि वो एक लेवल पे जाके रुक जाए। इस केस में ये प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमारा ओप्पो A5s का फ़ोन है और इसमें जो है हमारा चार्जिंग एरर है, MTK बेस फ़ोन है। ठीक है, तो चलिए माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसके जो ट्रेसिंग्स हैं उनको दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको इसको ट्रेस करना है और किस तरह से इसे आपको रिपेयर करना चाहिए। माइक्रोस्कोप कनेक्ट हो चुका है और अब जो है हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो हमारा ये फ़ोन है, ये अब हम इसको हम निकालते हैं चार्जर से। अभी देखिए करंट काफ़ी कम हो चुका है और देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट के बाद 1% बढ़ा। ठीक है, तो हम अब इसको निकालते हैं। ये बहुत ही कम करंट ले रहा है और इसका बैक पोर्शन हम जो है ओपन कर लेते हैं, और देखिए इसमें कोई पेंच नहीं है फिलहाल, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं आराम से।
और ये बैक पोजीशन जैसे ही ये खुलता है तो इसमें काफ़ी बचा के हमको खोलना होता है, क्योंकि यहाँ पे पेच वगैरह हो सकता नहीं होगा। ठीक है, नहीं है पेच। देखिए ये खुल चुका है और यहाँ पे आपको ये पूरा बोर्ड नज़र आ रहा होगा माइक्रोस्कोप पे। अब देखो यहाँ पे MTK है और ये इसमें काम हुआ है पहले से। बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर को हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट चेकिंग हम बैटरी कनेक्टर पे करेंगे। चार्जर को हम इन कर लेते हैं इसमें, और जो करंट ले रहा है वो अभी चार्जर जब इन कर लेते हैं विदाउट बैटरी तो कोई भी करंट हमारा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर से 20 वोल्ट की रेंज पे करके हम चेक करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड पिन है, ID और थर्मल पे कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी ID थर्मल पे मतलब कोई वोल्टेज नहीं। पॉजिटिव पे वोल्टेज क्या है, तो देखिए पॉजिटिव पे वोल्टेज वेरिएट कर रहा है और ये 2.5 वोल्ट से रिटर्न आ रहा है, 2.8, 2.9, 2.5, 2.8 ऐसे करके रिटर्न आ रहा है। ये जो वोल्टेज है ये काफ़ी कम है, ये 4 वोल्ट के आसपास होना चाहिए तभी हमारा फ़ोन जो है ये प्रॉपर चार्ज होता है। यानी कि बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कम हो गई है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। चार्जर लगाने पे बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज कम आ रहा है। तो देखते हैं इस केस में चार्जिंग IC की प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम चेक करते हैं, देखते हैं चार्जिंग IC बदलना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो बोर्ड को हम इसमें बाहर निकालते हैं, बोर्ड को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए ये बोर्ड के बैक साइड में इधर में भी काम हुआ है पहले से। देखिए यहाँ पे चार्जिंग IC के पास में लग रहा है काफ़ी काम हुआ है। ये किसी शॉप वाले से रिटर्न आया हुआ फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले इसको। ये IC थोड़ी सी कॉर्नर इसकी बर्न हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा IC की कॉर्नर बर्न हुई है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक जंपर करते हैं पहले और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है नहीं, क्योंकि शो तो कर रहा है चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग शो कर रहा है केवल वोल्टेज कम आ रही है। तो एक हम यहाँ पे जंपर लगाते हैं, छोटा सा जंपर हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा जंपर है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे फिक्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले कैपेसिटर, ये हमारा बैटरी कनेक्टर का कैपेसिटर है VBAT का। ये जो कैपेसिटर है ये VBAT की कैपेसिटर है। करंट सेंसिंग रजिस्टर जो है यहाँ पे ग्राउंड पोर्शन में लगा हुआ है, क्योंकि MTK के फ़ोन में मैक्सिमम फ़ोन में करंट सेंसिंग रजिस्टर जो होती है माइनस पोर्शन में लगी होती है। आपको भी दिखा दें हम एक बार, MTK के फ़ोन में करंट सेंसिंग रजिस्टर जो होती है वो ग्राउंड पोर्शन से कनेक्टेड होती है। अब देख लो यहाँ पे जो है, मैं ग्राउंड पे इसको रख के चेक करता हूँ। देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, करंट सेंसिंग रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड। पॉजिटिव लाइन बैटरी का ये है, यहाँ से डायोड रिमूव किए हुए हैं और ये लाइन को हम VPH की कॉइल से जोड़ देंगे, तो हमारी VPH की वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे चली जाएगी और जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC को भी बाईपास किया गया है, ये OVP IC बाईपास है और यहाँ पे कैपेसिटर रिमूव है। और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर रिमूव है वो चार्जिंग LDO की कैपेसिटर है। यहाँ पे VBUS की लाइन है, ये VBUS यहाँ से इन होता है। तो इसको हम यहाँ पे VPH पे जोड़ के देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, VPH के इस पोर्शन से ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है VPH पे जब आप जोड़ोगे बैटरी कनेक्टर की, यानी कि VBAT की जंपरिंग जब VPH के कॉइल से आप करते हो तो आपको बहुत ही सावधानी से करना होता है। आपको ये ध्यान देना होता है कि VPH के साथ जो कनेक्टेड कॉइल है वो कॉइल बूट कैप वाली कॉइल के साइड नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो इंटरनल कॉइल यानी कि IC से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो बूट कैप वाली साइड। यानी कि अगर आप उस साइड में ऐड करते हो तो आपका फ़ोन प्रॉब्लम में रहेगा, यानी कि तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं आपको। VPH के हमने एक डायरेक्शन यानी कि नीचे पोर्शन में यहाँ पे सोल्ड किया और हम चेक करते हैं अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा। इसको देखिए बोर्ड में यहाँ पे ऑलरेडी टेप लगा हुआ है, इसी पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, बोर्ड लग गया हमारा, ये लग गया। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं आप देखो ये जो करंट है अभी 80 पे चला गया और 0 हो गया, चार्जिंग का लोगो भी आ गया 16%। अब जो है ये हमारा क्या है, 138 132, ये करंट अभी मेरा क्या है सही ले रहा है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, 28
देखो आप ये 16 पे है, 16 पे ही है, 122 हो गया। यहाँ पे बैक साइड में काफ़ी तेज़ी से हीट हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बोर्ड हीट हो रहा है और बैटरी कनेक्टर भी हीट हो रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको ये हीटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉइल का पोर्शन शायद हमने गलत जगह पे लगा दिया होगा। अभी देखिए VPS की वोल्टेज जो होगी हमारी बैटरी कनेक्टर पे आ गई होगी, देख लो आप यहाँ पे VPS की वोल्टेज जो है बैटरी कनेक्टर पे आ चुकी है 3.7। अब जो है हमारा ये बैटरी लगाने पे करंट 0.77134 16% है, 0 हो जा रहा है फिर से। और थोड़ा सा वेट करते हैं हम, यहाँ पे बोर्ड हल्का हीट हो रहा है, बोर्ड हीट हो रहा है, तेज़ी से इसको हम निकाल लेते हैं। क्यों हीट हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ, ये हीटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉइल है उसमें फ्रेक्वेंसी वाली साइड में हमने जंपर किया होगा, कॉइल की जो साइड थी जहाँ पे हमने जंपर किया वो फ्रेक्वेंसी वाली साइड होगी, यानी कि जो IC से चार्जिंग की फ्रिक्वेंसी रिलीज़ होती है उस डायरेक्शन में हमने सोल्ड किया होगा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। हम इसको दूसरे साइड से ऐड कर देते हैं, कॉइल के इसके इस साइड से रिमूव करके दूसरे साइड पे ऐड करेंगे जिधर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इससे हमारा क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हीटिंग का भी। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और अब जो है हम इसको बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारे कोर्स आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको कंप्लीट एडवांस लेवल पे हार्डवेयर का कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे करंट जो है 185 तक गया, वेट करते हैं थोड़ा सा हम। देखिए ये 13% पे नीचे की ओर आ गया, बैटरी ड्रॉप थी शायद इसलिए वो फेक चार्जिंग में था। अभी क्या है, ये नो हीटिंग, कोई भी हीटिंग यहाँ पर हमको नहीं हो रही है और करंट भी 1.5 एम्पियर से ऊपर है, कोई भी हीटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। क्या है, एकदम ये गुड कंडीशन में चला गया। और परसेंटेज हम एक बार देखते हैं, ये 13 पे है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। करंट इतना ले रहा है तो ज़रूर परसेंटेज तेज़ी से ही बढ़ने वाला है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। कोई भी हीटिंग यहाँ पे नहीं, कोई भी हीटिंग नहीं है, जो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे हीट हो रहा था अभी वो हीटिंग नहीं है। देखिए 14% हो गया, तुरंत ये परसेंटेज बढ़ रहा है अब, ठीक है। पहले परसेंटेज क्या थी, बहुत टाइम ले रहा था बढ़ने में, अभी 14 हो गया 13 से। एक बार थोड़ा सा वेट हम और करते, 15 हो जाने देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, जब हम कॉइल की एक साइड ऐड किए हैं जंपर को तो हमारा बोर्ड हीट होने लगा है। रीज़न ये था कि कॉइल की एक साइड में चार्जिंग की फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो फ्रीक्वेंसी बैटरी पे पहुंच रही थी तो बैटरी की वोल्टेज से वो टक्कर करती थी और हीट हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि जब हमने स्मूथ DC साइड में जंपर कर दिया तो हमारा जो है ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और प्रॉपर वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर मिलने लगा, जिससे हमारा बैटरी जो होगा वो प्रॉपर हमारा चार्ज होने लगेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ये 14% है, अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, 1 से 1.5 मिनट में ये हमारा बढ़ना चाहिए, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारा एडवांस लेवल का हार्डवेयर कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कीमेटिक के थ्रू। आपको फ़ोन को रिपेयर करने का एडवांस टेक्निक बताया जाएगा जिसके थ्रू आप फ़ोन को बहुत डीप लेवल में रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इतना करंट ले रहा है तो बढ़ेगा जरूर, थोड़ा सा हम और वेट करते हैं।
देखिए लगभग 1 मिनट के आसपास में हमारा ये 15 पे चला गया, 13 से बढ़ के 15, 2 मिनट 3 मिनट में ये 2% बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और इसमें अब जो है बैटरी हमारा तेज़ी से परसेंटेज बढ़ रहा है और ये फ़ोन अब हमारा चार्ज हो जाएगा। एक बार हम आपको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज का लेवल भी दिखा देते हैं और क्या वोल्टेज आ रही है, जो पहले आ रही थी क्या अभी भी वही वोल्टेज है या वोल्टेज चेंज हो चुकी है। तो देखिए बैटरी के इस कनेक्टर को हम रिमूव कर लेते हैं बैटरी को, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पे देखिए आपका वोल्टेज क्या है। ये वोल्टेज अभी भी ऐसा ड्रॉप हो रहा है, तो शायद मेरा जम्पर केबल लगा नहीं हुआ। यहाँ पे वोल्टेज तो अभी भी ड्रॉप हो रही है, शायद जम्पर वायर टूट गई होगी इसलिए ये टाइम ले रहा होगा चार्जिंग में। थोड़ा सा हम एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, या तो जम्पर हमारी टूट गई होगी। वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, बैठे रहते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है 15 से 16 में कितना टाइम ले रहा है। अभी जो हमारा 11:57 ऐसा 11:57 मिनट ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वेट करते हैं हम। ठीक है, जम्पर लग जाने से करंट कंज्यूम होना बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे करंट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ऐसा हो गया, और बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज का लेवल वैसा ही है जैसा पहले था, और यहाँ पे करंट कंज्यूम होना क्या हो गया हमारा बढ़ गया। पहले जो करंट ले रहा था वो 0.80 से ऊपर नहीं जा रहा था, जैसे ही हमने VPH की जम्पर को VBAT से ऐड किया तो VPH की जम्पर को जैसे VBAT से ऐड किया तो करंट चेंज हो गया, लेना करंट लेना चेंज हो गया, और यहाँ पर जो है आपका ये परसेंटेज अभी 15 पे है। देखते हैं 16 में कितना टाइम लेता है, अगर ये 1 मिनट में 1% बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। नहीं, ये हमारा जो है फेक चार्जिंग में है अभी भी। एक बार हम ट्राई करते हैं, देखते हैं बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा वो जम्पर है वो है या टूट गया है। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं फिर से जम्पर को, जम्पर तो टूट चुका है, शायद टूटा हुआ है, देखते हैं। जम्पर काफ़ी लूज़ लग रहा है, जम्पर काफ़ी लूज़ लग रहा है, एक बार इसको हम सही से सोल्ड करते हैं, एक बार इसको हम सही से सोल्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम बोर्ड में फिर से लगा लेते हैं। एक बार हम इसको फिर से चेक करते हैं कितना करंट ले रहा है, 0.65, 189, ये 16% हो गया अभी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो में बने रहिए आप लोग। फ़ोन को हम ऑन कर देते हैं क्योंकि हमने VPH को ही वहाँ पे ऐड किया है, तो VPH की वोल्टेज होती है 3.7। जब चार्जर लगा रहे हैं हम लोग तो वोल्टेज जो हो रही है, जब हम बैटरी उठा ले रहे हैं तो वोल्टेज हमारी कम हो जा रही है, इसलिए हमको वहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कम मिल रही है जब हम बैटरी निकाल के चेक कर रहे थे। लेकिन जैसे बैटरी लग रही है तो वो वोल्टेज 3.7 से 4.2 के बीच में रह रही होगी, जो हम अभी चेक नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि हमको वहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जबकि वो जम्पर VPH से हो चुका है। ठीक है,
आपको ध्यान ये देना है कि VPH से हमने जो जंपर किया वो जंपर हो चुकी है। जंपर जब हम बैटरी जब हम रिमूव करके चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको 2.8 के समथिंग वोल्टेज जो चार्जिंग आईसी से आउट हो रही है, ड्राइव हो रही है, वही वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जब हम जंपर लगा दिए हैं वहाँ पे, तो जब फ़ोन ऑन हो रहा है यानी कि फ़ोन का जब डिस्प्ले आ रहा है, तो उस टाइम बैटरी कनेक्टर पे हम नहीं चेक कर पा रहे हैं ना। उस टाइम तो बैटरी उठी रह रही है तो डिस्प्ले आ नहीं रहा है चार्जर लगाने पे, क्योंकि रेडमी का फ़ोन तो है नहीं। तो हो ये रहा है कि जब हम बैटरी उठा ले रहे हैं तो कम वोल्टेज मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में VPH से जंपरिंग इसकी हो चुकी है। जब इसका डिस्प्ले ऑन रह रहा है यहाँ पे फ़ोन की, जब भी चार्जिंग शो कर रहा है या फिर फ़ोन ऑन रह रहा है, तो इसकी वोल्टेज जो है पूरी बैटरी पे मिल रही है VPH की, और जिससे हमारा फ़ोन जो होगा चार्ज होगा और IC से हमारी बाकी वर्क हो रही है शो करने वाली। बस VPH की वोल्टेज को हम बैटरी के अंदर इन करा रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। 16% पे है अभी, थोड़ा सा हम एक बार वेट करते देखते 17 जा रहा नहीं जा रहा। करंट ले रहा है 1 एम्पियर से ऊपर, तो 17 जाना जरूर इसका कंफर्म है कि ये 17 पे जाएगा, बढ़ेगा परसेंटेज, और आधे घंटे अगर छोड़ दे तो 50% से ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का केस मिले जिसमें आपका बैटरी कनेक्टर पे कम वोल्टेज आ रहा हो और मोबाइल फेक चार्ज में हो, ओप्पो वीवो के फ़ोन में ऐसे हो, अगर वो काफ़ी देर में 1%, 5 मिनट, 6 मिनट में 1% बढ़ रहा है, तो आप VPH सप्लाई को VBAT सप्लाई से जोड़ के ट्राई कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। याद रहे VPH की कॉइल से जंपर आप जब करोगे तो फ्रीक्वेंसी साइड ना करके डायरेक्ट आउटपुट DC साइड से आप जंपर करोगे, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा इजीली। बोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई हीटिंग नहीं होगी, नहीं तो अगर आप फ्रीक्वेंसी साइड से जंपर करोगे तो बोर्ड में हीटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कहीं और से आप VPH की जंपरिंग करते हो तो सिंपल है, वहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी जाती नहीं है, तो वो सिंपल हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा हम और वेट करते हैं, 16 से 17 जाने देते हैं इसको। डिस्प्ले लाइट को हम थोड़ा सा ऑफ होने देते हैं। देखो आप 17% भी हो चुका है, थोड़ा सा हम और वेट करते हैं, 18 भी हो जाने देते हैं। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट 2 मिनट में, 1.5 मिनट में ये 1% बढ़ रहा है, 18% हमारा हो गया।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और कोर्स की डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।